hello students myself ruchi joshi today we are going to learn a poem one little kitten written by caroline graham of unit number 3 before we start our poem let's see some new words unit number 3 yani bhagti पोएम नंबर वन चैप्टर नंबर वन यानी उसका यूनिट नंबर थ्री का फर्स्ट चैप्टर वन लिटल किटन किटन यानी बिल्ली का बच्चा लिटल यानी छोटा वन यानी एक एक छोटा किटन है ना, बिल्ली का बच्चा और ये पोएम किसने लिखी है कैरोलिन ग्रेहाम ने लिखी है ये पोएम लिखी है कैरोलिन ग्रेहम ने न्यू वर्ड्स नए वर्ड्स के आई डबल टी ई एन किटन किटन यानी बिल्ली का बच्चा बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई एस बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज यानी तितिया आर ए टी एस रेड्स रेड्स यानी चूहे जो घरों के अंदर हम देखते हैं ना चूहे रेड्स चूहे एफ ए टी फैट फैट यानी मोटा कोई पतला होता है कोई मोटा होता है तो उसे कहलाते हैं फैट एफ एस ए डी सैड सैड यानी अनहैप्पी यानी दुखी आप कई बार कोई चीज नहीं देते है आपको तो आप दुखी हो जाते हो सैड हो जाते हो वो कहलाता है सैड एस ई a एल सिल सिल है वो एक दरियाई एनिमल है जो दरिया में रहता है यह है पिक्चर ऑफ सिल। देखो यह पिक्चर है सिल का है एस ई ए एल ये दरिया में रहता है नेक्स्ट वन है एफ आई एस एच फिश नेक्स्ट वन है एफ आई एस एच फिश फिश यानी मछली हम सब ने देखी है पानी में रहती है नेक्स्ट है सी गल ई ए जी यू डबल एल सी गल तो हम उसका पिक्चर देखते हैं सी गल एक दरियाई पंखी है उसको गंगा चिली भी कहते हैं तो ये है उसकी इमेज सी गल देखो इसे कहते हैं सी गल और उसे गंगा चीली भी कहते हैं और दरियाई पंखी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डबल ई एल इल इल यानी ये एक फिश है लॉन्ग फिश लुक लाइक स्नेक वो एक फिश ही है पर स्नेक की तरह दिखती है अब हम उसका पिक्चर भी देख लेते हैं देखो ये है इल डबल ई एल इल देखा कैसे दिख रही है स्नेक लग रहा है पर ये क्या है फिर शै तो डबल इल नेक्स्ट वर्ड है एन ई आर वी ओ यू एस नर्वस नर्वस यानी बेचैन हो जाना घबराहट होने लगना अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आते तो कैसी घबराहट होने लगती है है ना डर लगने लगता है टीचर क्वेश्चन पूछे और आंसर नहीं आता तो भी डर लगने लगता है नर्वस बेचैन हो जाते हो तो वो कहला जाता है नर्वस एन ई आर पी ओ यू एस नर्वस बेचैन हो जाना नेक्स्ट वर्ड है एल आई जेड ए आर डी लिजर्ड लिजर्ड यानी चिपकली, जो घरों में देखी जाती है नेक्स्ट वर्ड है बी आर ए वी ई ब्रेव ब्रेव यानी बहादुर अगर कोई काम आप बहुत ही अच्छा करो है ना जो आपको आता नहीं है पर फिर भी आप कर लो तो आप ब्रेव बॉय या ब्रेव गर्ल कहलाते हो है ना तो वो होता है ब्रेव बहादुर बी डबल ई बी बी यानी मधुमक्खी उसको हनी बी भी, भी कहा जाता है नेक्स्ट वर्ड एस एम ई -E डबल एल वाई स्मैल ई स्मैली यानी बदबूदार जिसमें से बुरी गंदी स्मेल आती हो वो बदबूदार ई एल ई पी एच ए एंटी एलिफेंट एलिफेंट यानी हाथी नेक्स्ट वर्ड इज फ्ली एफ एल ई ए फ्ली फ्ली यानी पिस्सू क्या कहा जाता है उसे पिस्सू वो एक इंसेक्ट है जो एनिमल्स के ऊपर रहता है और उनको काटता है जिससे उनसे खुजली होने लगती है तो हम अभी पिस्सू का पिक्चर देखेंगे देखो ये रहा पिस्सू का पिक्चर उसे इंग्लिश में फ्ली कहते हैं जो एक इंसेक्ट है और वो एनिमल्स पे रहता है और उनको काटता है नेक्स्ट वर्ड है एलिगेटर ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर एस एलिगेटर्स एलिगेटर्स क्या है वो एक मगरमच्छ है उसे घड़ियाल भी कहते हैं, पर वो मगरमच्छ से एकदम अलग होता है उसका जो नोज है वो लंबा थोड़ा होता है और आगे से चौड़ा होता है और मगर से उसका जो नोज है वो थोड़ा छोटा होता है हम उसका पिक्चर देख लेते हैं देखो ये है एलिगेटर का पिक्चर ए डबल एल आई जी ए टी ओ आर उसका नोज देखो है ना उसका नोज आगे से थोड़ा लंबा है और चौड़ा भी है नेक्स्ट वर्ड है वेल well. W H A L E वेल well. वेल well एक मछली है बड़ी सी मछली जो दरिया में रहती है और वो बहुत बड़ी मछली कही जाती है बड़ी मछली होती है तो हम वेल का पिक्चर भी देख लेते हैं ये है वेल मछली का पिक्चर देखो W H A L E वेल well. बड़ी सी मछली नेक्स्ट वर्ड है डी ओ एन के ई वाई डोंकी डोंकी यानी गदा हमने हमारे आसपास हमारे घर के आसपास बहुत सारी जगह पे हमने डोंकी देखे है तो है उसे कहते हैं गदा टी ए आई एल टेल टेल यानी पूछ